Suno samjo sikho. Sunnat sirat ibadat. Madine ki baatein achhi baatein. Suno samjo sikho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Again.
Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir raheem. Madani channel ke nazreen, pyare pyare bachchon aur nanni munni bachiyon aur yahan maujood hazreen, sabko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaise hain pyare pyare bachchon aap? Alhamdulillah. मैं कहाँ पे बैठा हूँ, किस किस को पता है मैं कहाँ हूँ? अरे इधर हूँ ना, इशारे से होता है. तो इधर देखना है ना आपने, उधर कहाँ देख रहे हैं, उधर दिख रहा है आपको, मुझसे बातें करनी है ना आपने. ठीक है, ज़रा मुस्कुरा के देखें, डरा क्यों रहे हैं आप लोग मुझे. हाँ मुस्कुरा, ये वही ना बात. अब प्रोग्राम कौन सा है? हाँ, और अच्छे अंदाज से हम प्रोग्राम करते हैं. इसमें जो है ना इंटरेस्टिंग अंदाज से, अच्छे अंदाज से बातें होती है, तो आपने भी मुस्कुराते रहना है. और जो है वो मुकाबले होंगे, मुकाबले में हम कुछ दीन की बातें सीखेंगे. ठीक है जी, करेंगे ना मुकाबला. ये है टीम, इतना आवाज क्यों चली गई. टीम टीम, और घरों पे है टीम सी. ठीक है, उनको हम टीम सी बनाते हैं. अब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं. ठीक है, मिलकर पढ़ते हैं. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, वा अला आलिका वसहाबिका या नूरल्लाह. अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं. तुम्हारे नाम पहचान, इंट्रोडक्शन के साथ कि कौन है. ठीक है, तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो. क्या खुशकिस्मती एक उम्मती की कि उसका नाम भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होता है, उसकी पहचान भी कि ये कौन है. तो हमें अच्छे से अच्छे अंदाज में दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए कि हमारा नाम हमारे नबी की बारगाह में पेश किया जाएगा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. और आज प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो. और आपने ये बताना है कि मौज़िन रसूल किन्हें कहा जाता है, मौज़िन रसूल किन्हें कहा जाता है. यहाँ तो समझ गए होंगे, समझ गए, समझ गए भाई, वो इशारे से बता रहे हैं, समझ गए, मुंह से नहीं बता रहे. ठीक है जी, तो अब आपने सवाल का जवाब देना है. तो अब एक पैकेज हम शामिल करने लगे इब्तिदा में, और उसके बाद फिर आते हैं, फिर मुकाबले के लिए आप ज़रा तैयार हो जाएं, लंबी लंबी सांसें ले लें. ठीक है, जहन बना लें. जीतेगा कौन? हम कौन है?
टीम भी ये देखते हैं अभी थोड़ी एनर्जियाँ कम हुई भी हैं, अभी इंशाल्लाह कुछ टीका वीका लगाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पैकेज की तरफ। सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शेर से सीखो में मैं हूँ जैन अत्तारी। आज हम जानेंगे मकाम इब्राहिम के बारे में। बच्चों मकाम इब्राहिम खाने काबा से तकरीबन 13.25 मीटर के फासले पर ईस्ट की तरफ मौजूद है और इस मुबारक जगह का जिक्र कुरान पाक में भी है। मकाम इब्राहिम एक जन्नती पत्थर है और इस जन्नती पत्थर को मकाम इब्राहिम इसलिए कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुबारक पत्थर पर खड़े हुए थे। बच्चों तकरीबन 4000 साल से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान इस पत्थर पर मौजूद हैं और ये पत्थर कई साल खुले आसमान जमीन पर रखा हुआ था। इस दौरान बारिशें भी होती रहीं और कितनी दफा ऐसा हुआ के और ये पानी में डूबा रहा, मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कि आज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मौजजा है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको बताते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुबारक पत्थर पर क्यों और कब खड़े हुए थे। तो बच्चों काबा शरीफ की तामीर के दौरान जब काबा की दीवारें ऊंची होने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, कोई पत्थर ले आओ कि इस पर खड़े होकर दीवार को बनाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को ढूंढने के लिए अबू कुबेस पहाड़ पर गए। रास्ते में आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने कहा, मैं आपको एक पत्थर बताता हूँ जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आया और इसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ में दफन कर दिया था। इस जगह छोटे बड़े दो पत्थर दफन हैं। छोटे पत्थर को काबे की दीवार में दरवाजे के करीब लगा दें ताकि हर तवाफ करने वाला इसको चूमा करे, और बड़े पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे शरीफ की इमारत बनाए। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों पत्थर ले आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बातें बताई उसका भी बताया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी छोटे पत्थर को काबे में लगाया और बड़े पत्थर पर खड़े होकर काबा की दीवारें बनाई। जन्नती पत्थर की एक खास बात ये भी थी कि जैसे जैसे काबा की इमारत ऊंची होती जाती वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊंचा हो जाता था, यहाँ तक कि इस पत्थर के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर से फारिग हो गए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ इस बरकत वाली जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की बादम हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ये था सैर से सीखो। और कहाँ की सैर की पता है आपको, कहाँ की जल्दी से कौन बताएगा, पता चलेगा कौन कौन खुद भी यहाँ है और दिमाग भी यहाँ है। कहाँ की सैर की थी ये, देखे भाई एक हाथ उठ गया, जल्दी से माइक दे दें। कौन है हमारे साथ? शाह जमान अत्तारी। ये क्या कॉल शामिल कर लिए क्या? तो कॉल आती थी ना हमारे पास, कैसे आती थी कॉल, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है, आज मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहा हूँ, वैसे कहाँ से होती थी? मैं शाहपुर जहानिया से बात कर रहा हूँ। और माशाल्लाह शाहपुर जहानिया से जो है ये तैरते तैरते कैसे उड़ते उड़ते या ट्रेन के जरिए चलते चलते क्या किया फिर कैसे आए हैं? बस के जरिए फिर गाड़ी के जरिए आ गए, चले गाड़ी के जरिए आ गए कराची, तो इसलिए अब कराची से बात कर रहे हैं। देखिए वहाँ से जो कॉल करते थे और यहाँ आ चुके, तो और बच्चे भी देख रहे हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं तो कोई हमारे दरवाजे बंद नहीं है, आप भी आ सकते हैं। देखिए ये इतनी दूर से आ गए, आप तो कराची में रहते होंगे और अरीब करीब रहते होंगे, ठीक है, तो आप भी आ सकते हैं। क्या बता रहे भाई, क्या बता रहे थे ये, आप क्या बता रहे हैं?
मकाम इब्राहिम के बारे में। जी किसके बारे में बता रहे थे ये? मकाम इब्राहिम के बारे। अभी जहन आ गया, यहीं आ गया, क्या बता रहे थे? मकामे इब्राहिम के बारे में। तो तवज्जो आपने रखनी है, अगर जीतना है तो मुकाबले के लिए तवज्जो रखनी है। चलते भैया के चलते, जो घरों पर मौजूद हैं, आपने कॉल के जरिए हमारे सवाल का देना जवाब देना है कि मोहसिन रसूल किन को कहा जाता है और इनको एक और लकब से भी याद किया जाता है, वो हम आपको बता देते हैं। आप दोहरा सकते हैं, सैयदुल मुअज्जिनीन। क्या लकब है? सैयदुल मुअज्जिनीन। अच्छा हाँ, आप शेर पढ़ रहे थे ना, उसमें लफ्ज़ सैयद था तो उसमें आपने सैयद पढ़ा, तो यहाँ पे जबर नहीं आएगा बल्कि जेर आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ है ना सैयदुल मुअज्जिनीन, सैयदुल मुअज्जिनीन नहीं बल्कि या के नीचे जेर होगा, ठीक है? ये भी सीख हो गया हमारा। तो ये भी आपको कहा जाता है, ये इस्लाम लेकर आया, इन पर काफिरों ने बड़ी जो है जुल्म किया। क्या किया? मारा पीटा, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाम पर ये बड़ी मजबूती से कायम रहे। तो आपने कॉल करनी है, इनके हवाले से बात भी कर सकते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सवाब कमाएं। सुनो समझो सीखो। जी सवाब कमाएं के लिए क्या करने वाले हैं हम आपको बता देते हैं। टीम ए, टीम बी, गौर से सुन लीजिए। आप में से एक एक ने आना है और आने के बाद मुकाबला करना है, और मुकाबले के अंदर कोई लड़ाई नहीं होने वाली बल्कि यहाँ बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्या लिखा है ये? ठीक है जी, सवाब कमाने के लिए आपने क्या करना होगा, ये आपको नजर आ रहे होंगे गिलास। गिलासों में आपको फालूदा नहीं खिलाएंगे बल्कि यहाँ ये बॉल भी मौजूद है और ये चम्मच भी मौजूद है। इस चम्मच के अंदर आपकी ये बॉल रख दी जाएगी और इसको आपके मुंह में पकड़ा दिया जाएगा। इधर से आपने आना है, इधर से आपने आना है, और आकर जो गिलास के अंदर ये बॉल को डाल देगा उससे सवाल किया जाएगा, और जिसकी बॉल गिर गई या देर हो गई वो पीछे रह जाएगा। बात समझ में आ गई? पहुँचना भी जल्दी जल्दी है और ये इस बॉल को लेकर पहुंचना है, और जहां पहुंचेगी उससे मुतालिक सवाल किया जाएगा। कौन आ रहा भाई टीम से? ये लो भाई, शाह जमान आ रहे हैं। देखो भाई आप कहां से हैं? कराची से ही हैं आप? पीछे वो शाहपुर जहानिया से आगे आगे निकल रहे हैं। अब आप लोग देख लें, और यहां कितने? ये तो क्या हो रहा भाई, चिनिंग हो रही है। टीम ए में कितने हैं? 5। और टीम बी में 6। क्यों भाई? और 6 हो गए तब भी कोई जो है वो देखे, 6 हो गए हो सकता है जीत जाए, तो क्या करें? कम करें यहाँ से, उनको इधर शामिल कर देते हैं, नाथ खा को, शाह सेफ भाई को। ठीक है भाई, आप टीम ए का हिस्सा होगा, उनको टीम ए 6 हो गए। चले भाई आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, माइक उधर पकड़ा दें। ये आपका हो गया। टीम बी से कौन आ रहा है? कहाँ खड़े होते हैं टीम ए वाला? वहाँ जाते हैं ना, ये ले तो जाएं। टीम बी से आप आ रहे हैं, जल्दी से नाम बताएं। नाम हसन। मुस्कुरा के हसन। मुस्कुरा के हसन। ये कहाँ से मुस्कुरा रहे हैं मेरे बच्चे? कैसे मुस्कुराते हैं? मुस्कुरा के दिखाओ भाई, वो देखो वो मुस्कुरा रहे हैं। अब बताएं क्या नाम है? हसन। अब्बू का नाम? मजर। माशाल्लाह, आ जाए फिर, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? ये ले जाएं, पीछे हो जाएं, बॉल भी वो थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये 2 क्यों ले लिए चम्मच, 1 लेना है। ये ले जी, आप कहाँ चले गए? थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर पीछे हो जाए, पीछे 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 थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब ये बॉल भी संभालनी है, खुद को भी संभालना है, पहुंचना भी जल्दी है। कॉल्स करने वाले जल्दी जल्दी कॉल्स कीजिए और हमारे सवाल का दीजिए जवाब। आपका वक्त शुरू होता है अब, जल्दी 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 जल्दी। ये ओहो भाई, ये तो तकरीबन टाई हो गया, शाह जमान थोड़ा सा पहले थे लेकिन पहुँच तो ये गए, तो दोनों से सवाल किया जाएगा। बस दे दें, हो गया। माइक ले लें, माइक ले लें। अरे भैया अभी जवाब भी देना है, सिर्फ बॉल नहीं पहुँचानी थी, जवाब भी देना है जी। कहाँ पर पहुँची बॉल आपकी? बॉल कहाँ डाली थी? ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ा जा रहा। मुतफर्रिक, क्या लिखा है? मुतफर्रिक। हाँ अब ये उधर मुँह कर लें, अब इधर खड़े हो जाएं, ठीक है भाई, आप भी उधर मुँह पेश कर लें जी। आपने पहुँचाई सुन्नत। सुन्नत से आपसे सवाल है कि बताइए, हफ्ते के 7 दिनों में, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। हाँ, 7 दिनों में किस दिन गुसल करना सुन्नत है? जुम्मा के दिन। किस दिन? जुम्मातुल मुबारक के दिन। जुम्मातुल मुबारक के दिन। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। और आपने कहाँ पहुँचाई थी बॉल? मुतफर्रिक में। आपसे सवाल ये किया जाता है, बताइए शबे बारात किस इस्लामी महीने में आती है? कहाँ है? ऊपर कहीं है, दिखाएं। उधर क्यों देख रहे थे जी?
किस इस्लामी महीने में आती है शबे बारात? चले मदद ले लें अपनी टीम से, चाहे ये इतने सारे हैं ना, छः, किसी से पूछ के आ जाए, मदद कर ले जल्दी से। का टाइम कम है, 5, 4। शाबान। इधर आ जाएं जी, किस इस्लामी महीने में आती है शाबान? आपका जवाब सही है जी। कैसे पता? आपको तो पता ही नहीं ना, उन्होंने मदद की, उनसे गलती नहीं हो सकती क्या? तो आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाल्लाह। चले भाई अपनी जगह पर जा सकते हैं। और कौन आ रहा भाई मुकाबले के लिए? आप आ रहे हैं? माइक देते भाई जल्दी से इनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, वापस देते माइक और आ जाए इधर से। कौन आ रहे हैं? और उल्टे हाथ से दिया तो नंबर कट जाएंगे। वापस दे माइक सीधे हाथ से। कौन से हाथ से लेना देना चाहिए? सीधा हाथ। खाना किससे? सीधा हाथ। पीना किससे? सीधा हाथ से। ठीक है जी, आ जाएं। क्या नाम है आपका? हमदान। हमदान भाई, माइक वापस दे दें। आप तो आ जाएं, माइक दे दें, आप क्यों जा रहे हैं? मुकाबला करना है ना आपने जी। तो आपके लिए ये चम्मच, चम्मच ले लें आगे भाई, चम्मच ले लें जल्दी से ले लें। ये लें, फिर बॉल है, हम ले कर आ रहे हैं। ठीक है जी। और कॉल करने वाले जल्दी जल्दी कॉल्स करें, इसके बाद इंशाल्लाह कॉल्स हम शामिल करते हैं। पीछे हो जाएं थोड़ा सा जी, मुकाबला सख्त है, देखते हैं कौन सही सलामत पहुंचता है यहाँ पर। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो बॉल कांप रही है, वो तो उधर पहुंच गए, बड़ी देर कर दी हजरत आपने पहुंचने में। वहाँ रख दे चम्मच। माइक ले लें, माइक माइक दोनों ले लें। हाँ भाई, क्या हुआ? कांप क्यों रही थी बॉल? हैं, माइक में, माइक में चमचा हिल रहा था। चमचा हिल रहा था, और चमचा कहाँ था? माइक में, मुंह में। तो मुंह हिल रहा होगा ना, तो चमचा हिलेगा ना। चमचा अपनी मर्जी से हिल रहा था, उसका दिल चाह रहा था क्या हिलने का? चमचा हिल रहा था। तो आप भी इधर आ जाएं, माशाल्लाह आप तो पहुंच गए। कहाँ पहुँचाई बॉल आपने? सुन्नत में। चले आप भी लेकर आ गए थे तो कर लेते हैं आपसे सवाल, वैसे तो आप पीछे रह गए थे। सुन्नत, आपसे सवाल ये है कि वुजू में धोने वाले बॉडी पार्ट्स को कितनी बार धोना सुन्नत है? 3 बार। वुजू करते हैं, क्या क्या धोते हैं उसमें? हाथ धोते हैं, नाक में पानी, कुल्ली करना होता है, हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, और चेहरा धोते हैं तो इसमें, हाँ इसी तरह हाथ जो है वो कोहनियों समेत धोते हैं, मसा करते हैं, और पांव टखनों समेत धोते हैं। तो ये सारे काम कितनी बार करने हैं? 3 बार। हाथ कितनी बार धोना है? 1 बार। कुल्ली कितनी बार? 3 बार। नाक में पानी कितने बार? 3 बार। चेहरा कितनी बार? 3 बार। मसा कितनी बार? 3 बार। मसा कितनी बार? 3 बार। मसा कितनी बार? 3 बार। तो अभी 3 बार हुआ था, थोड़ी देर पहले भी हुआ था, 3 बार नहीं? तो यहाँ हमने सुना सारे बॉडी पार्ट्स को 3 बार धोना है, फिर सोच लो भाई कितनी बार? एक बार कह रहे हैं, 3 बार ना, एक बार देख लो। वो मसा होते नहीं है भाई, मसे में तो पानी लगाते हैं ना, हाथ मिलेंगे तो वो 1 बार होता है, बाकी धोने वाले काम 3-3 बार करना सुन्नत है। आपका जवाब दुरुस्त है। और आप कहाँ लेकर गए थे बॉल भाई? मुतफर्रिक में ही। और वो खाली क्यों छोड़ दिए दोनों? चलें, सवाल ये कि शबे मेराज किस इस्लामी महीने में आती है? शबे मेराज किस इस्लामी महीने में आती है? जल्दी से। रजबुल मुरज्जब। पक्की बात, तारीख बताएं। किस तारीख? ये भी पक्का है। दोनों का जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। तो ये मुकाबला दोनों टीमों में बराबर हो गया, अच्छा मुकाबला गया। अपनी जगह पर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, माशाल्लाह। और अभी और भी ज़बरदस्त से मुकाबले हमने शामिल करने हैं प्रोग्राम में। सुनो समझो सीखो जी। तो आइए शामिल करते हैं कुछ कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद हमदार याद तारी है, मैं मरक्का गाँव लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी है। शादी भैया, आज आप ये वाला कलाम सुना दे, मुझे दर पे फिर बुलाना। मदनी मदीने वाले। माशाल्लाह, टाइम देखना पड़ेगा भाई, कॉल्स भी काफ़ी सारी हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, जहन में रखिएगा आप। और जय, आपका एक काम है भाई, टीम में कॉल आएंगी ना, आपने नाम याद रखना है कॉलर का, ठीक है, और टीम भी आपने जगह याद रखनी है कि किस जगह से इन्होंने कॉल की है, मैं पूछूंगा, ठीक है, पता चलेगा कि यहीं पे दिमाग है या उधर कॉल चल रही है। चलो हम ज़रा नज़ारे कर ले, आपस में बातें कर लें, वो देखो शुरू भी हो गई। क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत अहम बात है कोई। चलें जी, नेक्स्ट कॉल।
मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको इतना सुनाऊंगी, आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछे कबूला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगी नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी क्या नाम था? माइक माइक ले जल्दी से। नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बता रहे आप? नाम बताएं। इन्होंने नहीं बताया, पक्की बात है। जगह कौन सी थी? बताया नहीं। अच्छा चलें, अच्छी है, दिमाग यहीं पे है माशाल्लाह। बताया नहीं था भाई, क्यों नहीं बताया आपने? जी नेक्स्ट। मेरा नाम शान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको खाना खाने की सुनाना सुनाऊंगा। खाने से पहले खाने का वजू करना चाहिए, खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, खाना तीन उंगलियों से खाना चाहिए, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए। आमीन। जबरदस्त। क्या नाम था? शायान। कहाँ से थे? कराची। पक्की बात। और क्या बता रहे थे? खाने की सुन्नत और आदाब बता रहे थे, माशाल्लाह जबरदस्त। जी नेक्स्ट। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा मदनी चैनल। कौन थी भाई ये शाहजमान? उम्मीदवार। कहाँ से बात कर रही थी? शाहपुर जानिया। शाहपुर जानिया से बात कर रही थी, मगर मौजूद तो कराची में। जी मौजूद तो कराची में। तो फिर बात वहाँ से कैसे कर रही थी? वहाँ जाके कॉल की थी। ये बच्चों का अपना इन्होंने कॉल रिकॉर्ड कराई और बच्चों के दिमाग में भी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब उनको तो याद था कि मैंने कॉल में क्या कहना है, शाहपुर जानिया। तो वो भी माशाल्लाह यहीं पे आई हुई हैं, लेकिन उन्होंने कॉल में यही कहा मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, शाहपुर जानिया, हालांकि वो मौजूद कराची में है। तो बच्चों के जहन में जो चीज़ बिठा दी जाए वो बैठ जाती है, वो वैसे ही बचती रहती है। ठीक है जी, अच्छी बातें बिठा देंगे तो अच्छी बातें बचती रहेंगी, बुरी बातें बिठा देंगे तो बुरी बातें बजना शुरू हो जाएंगी, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बड़ीरा फरमा ताड़िया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको इल्मे इज़ाफे की दुआ सुनाऊंगी। ज़रा जोरदार नारा तो लगा दें, किड्स मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। ये क्या नारा हो, कौन लगाएगा नारा जोरदार? यही करेंगे क्या सब कुछ? चले लगवाए भाई। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। ऐसा नारा होना चाहिए और ऐसा जवाब भी होना चाहिए। ठीक है जी, अब दोबारा लगाएं जरा आप, मुकाबला आप दोनों में। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अभी भी उन्होंने ज्यादा जोर से लगा दिया है। चलें भाई नेक्स्ट कॉल जल्दी से। वाह भाई वाह, कौन थी ये? अब बताएं नाम क्या था? हरीम फातिमा। वाह, कहाँ से थी? कराची। जबरदस्त भाई, और क्या जबरदस्त माशाल्लाह आपने सुनाया। मेरे यहाँ आ जाए, आप भी आ जाए ना भाई हमारे प्रोग्राम में, छोटी सी तो हैं आप, और आपके तो दिल जा रहा है आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। हमारे प्रोग्राम का टाइटल कलाम जो है ना, आप ही की आवाज़ में होना चाहिए भाई। बच्चे हैं तो बच्चों का ऐसे ही होता है ना, चुनो छमझो छीको, सीखो नहीं था छीको था, और बड़ा खूबसूरत चीको था भाई आपका। जी नेक्स्ट। हम दोनों भाई आज नाच नीच माएंगे। हम सुनेंगे। उम्र की महक ने दिल के उनके खिला दिए, उन्हें
आमीन। कॉल्स तो काफी सारी हैं, लेकिन फिर मुकाबले क्या करें, तो कुछ कॉल्स ले, मुकाबला लें, क्या करें करें। चले भाई थोड़ा सा मुकाबला कर लेते हैं, ये जुमला मुकम्मल करें करें या चले भाई अल्लाह पाक की नेमतें कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा दिलचस्प हमारा मुकाबला होता है, तो आइए चलते हैं अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो। जी अल्लाह पाक की नेमतें बहुत सारी हैं। अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई आँख की नेमत है, कान की नेमत है, नाक की नेमत है, मुंह की नेमत है। नाक से क्या करते हैं हम, नाक नहीं हो तो क्या करेंगे, कितनी मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं, इन नेमतों को हमने याद करना है। याद करने का एक बड़ा हमने दिलचस्प तरीका निकाला है। एक वर्ड मैं आपको दूंगा, उससे एक अल्लाह पाक की आपने नेमत बतानी है, और उसी वर्ड से फिर आपने बतानी है, फिर आपने बतानी है, फिर आपने बतानी है, चलता रहेगा मुकाबला। जो खामोश हो जाएगा वो माइक अगले को दे देगा, ठीक है जी, समझ गए बात। चले भाई शुरू किससे, और ये इधर से करने, पहले शाह जमान को दे दे माइक, और यहाँ पर इनको दे दे, इधर से ले ले। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। गुस्से में क्यों है, नहीं है तो मुस्कुराएं, फिर देखिए मुस्कुरा के कितना अच्छा चेहरा हो जाता है। अहमद रजा और शाहजमान से शुरू हो रहा है, जो रुक जाएगा वो माइक आके दे देगा, ठीक है। आगे से फिर कंटिन्यू करते जाएंगे अल्फाज, फिर मैं आगे चेंज करता जाऊंगा। चले भाई शुरू करते हैं चे से। चे, चांद। चे से चांद। वाह, चे से चांद। चांद की रोशनी क्या जबरदस्त, रात में कुछ और नहीं है, चांद चमक रहा हो, कितना खूबसूरत भी लगता है, और उससे जो है वो रास्ता देखने में और बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाती है। जी चे से चीनी। कैसे? चीनी। चीनी, चीनी नेमत। खैर चीनी बड़ी अच्छी चीज़ है, मीठी होती है, लेकिन वो केमिकल वेमिकल डलते हैं ना थोड़े से, तो उससे जो है वो बचना बेहतर है, और ज़्यादा खाओ तो फिर जहमत भी हो जाती है, फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। खैर वैसे तो अच्छी होती है, थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हैं। जी जैसे चावल। जैसे चावल, ज़बरदस्त। जैसे चटनी। जैसे चटनी, चटनी आ गई भाई, चटनी में भी थोड़ा ख्याल रखने की चीज़ है। जी चारपाई। चारपाई, चारपाई पे सोएंगे। जी पलंग। पलंग है, जैसे चलंग हो सकता है, पलंग तो नहीं हो सकता, वो तो पे से होगा। जी जल्दी चम्मच। कैसे चम्मच। चम्मच, अरे इन्हीं की बारी है, जब तक इनके खत्म नहीं होंगे चेंज नहीं होगा, जब ये रुक जाएंगे तो फिर आगे दूसरे के पास जाएगा। कैसे जल्दी फाइव। चम्मच। कैसे चम्मच, ठीक है जी चम्मच, अभी देर छोड़ देना, अभी जब इनके रुक जाएंगे ना तो बाकी दूसरे के पास जाएगा। जी जैसे चाय। जैसे चाय। चराग। जैसे चराग। चटाई। चटाई। जैसे अभी रुक जाए, फाइव फोर थ्री टू वन, नहीं है वही बोल देते जो बोल चुके हैं। चले भाई आप दिल चाह रहा उनको देने का। चपाती। जी जैसे चपाती हो गया भाई। जी फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, आगे देते माइक। चले भाई हम वर्ड चेंज कर देते, फे। फे से फवारा। फालूदा। फालूदा। फैजाने मदीना। फैजाने मदीना, सुभान अल्लाह। जी फोन। फे से फोन। पैसे पता। पैसे पता। पता, पता। ये तो एक सिफ्ट हो गई ना, मतलब फता जीतना वगैरह, लेकिन आप कोई चीज बताएं। पैसे। पैसे फाइव। पैसे फाइव हो सकता है, फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, आगे दे दे, पीछे दे दे माइक। हाँ जी पैसे। पैसे बहुत। जी पैसे क्या बोला है? फैन। चले ठीक है, इंग्लिश का हो गया लेकिन फैन बहरहाल मान लेते हैं। जी पैसे जल्दी। पैसे एक परिंदा है, उड़ता है। फाख्ता। फाख्ता। पैसे। पैसे एक चीज होती है, लहलाती होती है, वो लगाते हैं, उससे खाने पीने की चीजें हासिल होती हैं, क्या कहते हैं उसको, स्वाद और लाम भी आता है उसमें। जल्दी से फसल। इधर उधर से मदद हो रही है, फे से फसल। चले भाई आगे आ जाए, आपके पास वर्ड चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए। जे। जेबरा। जे से जेबरा। जे से भाई उनको बोल लेते शाहजमान उनको, वरना फिर ये चलता ही रहेगा, वो आगे कैसे जाएगा माइक। जे से फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, आगे दे दे माइक। जे से जबान। जे से जबान। जमजम।
जे से जमजम, जल्दी ये सारी नेमतें जी। ज़ेब्रा, जे से ज़ेब्रा हो चुका है, हो गया था ना, ज़ेब्रा तो शुरू से ही हुआ था। जबान, जबान बहुत बड़ी नेमत, सही चले तो नेमत, टेढ़ी चले तो ज़हमत, पिटाई हो जाती है जी। जे से जल्दी, टाइम कम है, बहुत सारी चीजें हैं, बैठे हुए हैं आप इस पे, क्या है ये? जंजीर जी, क्या कहा, दोबारा से बोल दें, क्या कहा था? जंजीर, जंजीर तो बोल देना, आप मदद नहीं करें वरना फिर आगे वाले फिर ऐसे ही रह जाएंगे। जंजीर जी, जमीन, जे से जमीन, जल्दी अब मदद हुई तो मैं वहीं रोक दूंगा। 5 4 3 2 1 0 आगे दे दें। जे से अभी बहुत कुछ मौजूद है, सिर्फ एक ज़ेब्रा थोड़ी होता है, ज़ेब्रे के साथ ही जंगल में रहता है वो जिंदगी। जे से जिंदगी होती है, जिंदगी, खैर ये एक सिफ्त है, चले मान लेते जिंदगी जी। जे से जैतून, जे से जैतून, नेमत अल्लाह बाकी जी। जे से जल्दी, जे से आप अगर रुक गए तो फिर आपके पास और नहीं है, तो आप टीम ए जो है हार जाएगी, टीम बी जीत जाएगी, और किसी के पास है नहीं ना? नहीं, एक है, शाहजेब है, हाँ ठीक है, आपकी टीम में है ना। जल्दी 5 4 3 2 1 0 शाहजेब आप ले लें, हैगा माइक जी। जे से मुकाबला, जराफा, जे से जराफा आ गया। जे से जल्दी जल्दी जल्दी, 5 4 3 2 अंडे में होती है वो चीज, जर्दी, जर्दी, जर्दी हो गई जी। जे से आपके बाद और कोई नहीं है, 5 4 3 2 पहनती हैं औरतें, पहनती हैं उसको, जे से होता है। देखो मदद इधर से गई है, यूं 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 गई है। जेवर, जे से आगे चले, चले जेब बहुत हो गया, अब जे जो है ना यूं के लिए बच्चा नहीं है तकरीबन, कोई यहाँ तो नहीं है मेरे पास। हे से कर लेते, हे से अगला वर्ड, हे से हाथी, हाथी, हाथ, हाथ, जल्दी हवा, हवा, हथेली, हथेली, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी मौजूद हैं, बहुत सारी मौजूद हैं, बड़ा कीमती सा होता है, पहनते हैं उसको गले में, हीरा, हीरा, हाथी, हाथी हो गया, गुजर गया हाथी ही, मोटा तो बार बार आ रहा है जी, हार, 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 ऐसे हिरन, हिरन, ऐसे 5 4 3 2 1 0 इसी के साथ टीम बी बोल दे जीत गई है, जीत गई, खुशी नहीं हो रही, जीत गए ना हम, माशाल्लाह जीत गए, तो टीम बी जीत गई है। आइए कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं। बापू जी, आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस तारीख को इनका उर्स होता है? 21 तारीख। ठीक है जी, माशाल्लाह। और आपको क्या कहा जाता है? सैयदुल मुअज्जिनीन, माशाल्लाह, यानी मुअज्जिनों के सरदार जी। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफा मलिक, मुस्तफा मलिक इस्लामाबाद से। जवाब दूंगा आप हजरत बिलाल हबशी है, माशाल्लाह। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आपके सवाल का जवाब दूंगा। मौलाना रसूल किसको कहते हैं? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अनहो जी। कौन थे ये, कहाँ से थे? भूल गए, तवज्जो रखनी है। नाम क्या था? मोहम्मद मुस्तफा अली। जगह पक्का? नेक्स्ट, मेरा नाम वसीला नवीद, वसीला नवीद, मैं कराची से आज कर रही हूँ, मैं दार मदीना की 2 क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, आपके सवाल का जवाब है हजरत लाले हबशी साहब, ये नबी जन्नती, जन्नती, सहाबिया तभी जन्नती, जन्नती, उस्माने वाली जन्नती, 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 ए हसन हुसैन अभी
आमीन। ये थी वसीला बाजी। और ये कब से टू क्लास में पढ़ रही हैं वसीला बाजी? हैं आपकी बहुत अरसे से कॉल आ रही है, टू क्लास में पढ़ती हूँ मैं। अगली क्लास में कब जा रही हैं आप ये भी बताइएगा नेक्स्ट कॉल में ना। ठीक है जी, माशाल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रियाज अतारी है। मैं मुबारका काम लाहौर से बात कर रहा हूँ और मैं आपको मदनी मस्कत सुनाऊंगा। मुझे अपनी हो सारी दुनिया के लोगों की खुशी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या है भाई, इन्होंने क्या सुनाया? मदनी मकसद सुना दिया इन्होंने, मकसद मकसद। ठीक है जी, नेक्स्ट। मेरा नाम हमद जहान रशीद अतारी है। मैं मंडी बहावलदीन से बात कर रहा हूं। रहे हैं आपके सवाल का जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही है जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान अतारी है। मैं दिलरीन झारखंड से आज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा हजरत बिलाल। मैं आज आपको मंडी मस्जिद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम जैनल, कहाँ से थी? अमेरिका से थी? अमेरिका नहीं, नहीं अमेरिका से नहीं थी भाई, ये कोई और से थी। चले खैर, छोटे से यही तो इम्तिहान होता है साल। जी, नेक्स्ट। मोहम्मद शर्मजाद तारी रावलपिंडी चकराला स्कीम थ्री से अर्ज कर रहा हूँ। आज का जो आपने सवाल किया है उसका जवाब है मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रदिल्लाहु तआला अन्हु है। माशाल्लाह, जबरदस्त। चले भाई, कॉल हो गई तो वो शेर था ना मदनी मदीने वाले, वही था ना कलाम। चले भाई वो सुना दे एक दो शेर। नहीं है, एक तो आते ही जी। हाँ, दो लाइनें सुनाए, टाइम भी कम है। मुझे दर्द पे रे बोलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर्द पे रे बोलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क बे पिलाना मदनी मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये आपने देखा प्रोग्राम, सुनो समझो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।